हाय फ्रेंड्स, आई एम सुनीत संगई फ्रॉम रेनविस इन्वेस्टमेंट। और आज का हमारा टॉपिक है हाई डिविडेंड स्टॉक्स 2021 के। तो सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे रिलेटेड टू डिविडेंड। और रिसेंटली गवर्नमेंट ने कुछ डिविडेंड रिलेटेड टैक्स में चेंजेस भी किए हैं, जिसके वजह से कंपनीज ने डिविडेंड देने की स्ट्रैटेजी चेंज कर ली है। वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत में हम देखेंगे ऐसे डिविडेंड स्टॉक्स जिनको हम इन्वेस्टमेंट के लिए रडार पे रख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि यूट्यूब आपको और मेरे बाकी व्यूअर्स को भी ये वीडियोस रेकमेंड करे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली पॉइंट है कि डिविडेंड आखिर कंपनी देती कैसे है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें तो डिविडेंड जो है कंपनी के प्रॉफिट से आता है, यानी कंपनी जो भी ईयरली अपने प्रॉफिट्स करती है उसमें से एक सर्टेन अमाउंट कंपनी डिविडेंड के फॉर्म में दे देती है अपने शेयर होल्डर्स को, और रिमेनिंग अमाउंट को वो री इन्वेस्ट कर लेती है। तो यूजुअली अगर कंपनी बहुत ज़्यादा हाई डिविडेंड देती है तो उसे हम बहुत अच्छा कंसिडर नहीं करते, स्पेशली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है उन कंपनीज को अवॉइड करते हैं। उसका मेजर रीज़न ये है कि कंपनीज अगर हाई डिविडेंड देती है तो वो अपने ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज़ करती है, या फिर यूँ कहें कि कंपनी को ग्रोथ की विजिबिलिटी नहीं होती, और इस वजह से वो अपने प्रॉफिट्स को, क्योंकि उनके पास ग्रोथ का कोई स्कोप नहीं लग रहा है, तो वो अपने शेयर होल्डर्स को वो पैसा डिविडेंड के फॉर्म में दे देती है। अब इसका इमीडिएट बेनिफिट होता है इन्वेस्टर्स को कि उनको इमीडिएट रिटर्न्स मिल जाते हैं, और कई इन्वेस्टर्स जो है इसको एक इंटरेस्ट के तरह भी देखते हैं। जैसे FD में हमको 4-5% का इंटरेस्ट मिलता है, उस तरीके से डिविडेंड में अगर 4-5% का इंटरेस्ट मिल रहा है, समथिंग लाइक दैट वो कंसिडर करते हैं। दूसरी तरफ वहीं अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें तो वो यूजुअली री इन्वेस्टिंग वाली कंपनीज को ज़्यादा फोकस करते हैं, और इसलिए अगर हम देखें तो डिविडेंड वाली कंपनीज में बहुत ज़्यादा शेयर के प्राइस ऊपर नहीं जाते। और वहीं दूसरी तरफ जो कंपनीज कम डिविडेंड देती है उनमें ग्रोथ नॉर्मली ज़्यादा पाई जाती है। वहीं ग्रोथ बेस्ड कंपनीज जो है जिनकी शेयर प्राइस काफ़ी जल्दी राइज होती है उनमें अगर हम देखेंगे तो डिविडेंड जो है ऑलमोस्ट ज़ीरो रहता है। अगली पॉइंट अगर हम देखें तो हमने कई बार कंपनीज का 400% 500% डिविडेंड सुना है, जबकि डिविडेंड यील्ड जो है 4% 5% होता है। तो ऐसा डिफरेंस क्यों है? तो डिफरेंस इसलिए है क्योंकि कंपनी की एक फेस वैल्यू होती है जिसपे उसके IPOs आते हैं, उस फेस वैल्यू के बेसिस पे अगर आप निकालोगे डिविडेंड तो वो 400-500% आएगा, जो कि बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है। रैदर हमें डिविडेंड यील्ड देखना चाहिए, जो बेसिकली ट्रेलिंग 12 मंथ्स का डिविडेंड डिवाइडेड बाई द मार्केट वैल्यू या मार्केट प्राइस या शेयर प्राइस, उसको अगर हम रेशियो निकालेंगे तो वो डिविडेंड यील्ड होता है, और हमें यही देखना चाहिए। और ये काफ़ी डायनेमिक होता है क्योंकि जिस तरीके से कंपनी की प्राइस रोज चेंज होती है उसी हिसाब से डिविडेंड यील्ड चेंज होता रहता है। वहीं डिविडेंड की बात करें तो वो फेस वैल्यू चेंज नहीं होता है यूजुअली, तो इसलिए 12 ट्रेलिंग 12 मंथ्स का डिविडेंड को अगर हम फेस वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो वो काइंड ऑफ स्टैटिक रहता है। तो कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या हमें डिविडेंड वाले स्टॉक्स को इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर जो ग्रोथ वाले जो स्टॉक्स होते हैं उनको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है। यूजुअली मुझे हाई डिविडेंड पेइंग कंपनीज कम पसंद आती है, क्योंकि एक तरीके से आप यूँ समझ लो कि अगर शेयर में आपको 4% या 5% या इवन 10% का डिविडेंड आ जाए ईयरली, और वहीं शेयर की प्राइस लगातार डिक्रीज हो रही है, तो एक तरीके से आपका एक्चुअल कैपिटल इरोड हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं दिखाऊँ आपको कोल इंडिया लिमिटेड एक हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी है, और वहीं अगर हम देखें इसके डिविडेंड यील्ड लगभग 9% के आसपास है, और वहीं अगर मैं शेयर प्राइस की बात करूं यहां पे तो लास्ट 5 ईयर्स में इसने -56% के रिटर्न दिए हैं। वहीं अगर हम लाइफ टाइम देखें जो 2010 से ऑलमोस्ट 11 ईयर्स में 62% का लॉस है। तो आप देख सकते हो कि अगर आपको डिविडेंड यील्ड भी मिल रहा है कंसिस्टेंटली, उसके बावजूद आप देखो एक मेजर लॉस आपका ये है कि आपने अगर 100 रुपीज़ इसमें लगाए थे तो आज के टाइम पे इसकी 40 रुपीज़ वैल्यू हो जाती है। और वहीं अगर हम यील्ड के पर्सपेक्टिव से देखें, 9% का यील्ड अगर 36 रुपीज़ पे या 38 रुपीज़ पे करते हैं हम, तो वो ऑलमोस्ट 3-4 रुपये का होता है। वहीं हमने इन्वेस्टमेंट 100 रुपये की करी थी, तो आप देख सकते हो कि डिविडेंड यील्ड जो है वो प्राइस करेंट शेयर प्राइस के बेसिस पे है, और अगर आपका एक्चुअली शेयर का प्राइस डिक्रीज होता है तो यील्ड आपके जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उस पर बहुत कम रह जाएगा। उसके बाद अगली पॉइंट जो आती है वो टैक्स की। तो टैक्स में गवर्नमेंट ने पहले जो रूल था वो था कि डिविडेंड पे 20% का फ्लैट टैक्स TDS फॉर्म में कट जाता था। वहीं आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो आपका जो भी इनकम है उस इनकम स्लैब के हिसाब से आपको डिविडेंड पे टैक्स देना होता है। यानी कि पहले जिनका आज के टाइम पे जिनका स्लैब 30% का है
उनके लिए ये एक लॉस की तरह हो गया। वहीं अगर जिनका पहले स्लैब 10% का था उनको पहले लॉस होता था और आज के टाइम पे बेटर हो गया। तो इस तरीके से आपके इनकम के हिसाब से ये टैक्स स्लैब में है। तो यहाँ पे क्या है कि कई प्रमोटर्स जो है जो कंपनी के शेयर्स होल्ड करते थे वो 30% के स्लैब में आते थे और यूजुअली उनको पहले 20% का टैक्स लग रहा था और अब ऑलमोस्ट 33% का टैक्स लग जाएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि पहले बहुत ज़्यादा हैवी डिविडेंड्स दिया करती थी कंपनीज लाइक रिलायंस, और यहाँ पे इस तरीके के न्यू रूल से उनको इतना अच्छा बेनिफिट नहीं हो रहा है। और वहीं अगर हम देखें तो कॉरपोरेट टैक्स जो है 25% का है और ऑन टॉप ऑफ दैट डिविडेंड पे भी टैक्स लगता है। तो इसका एक मेजर बेनिफिट अब जो नए रूल है उसके साथ MNCs को मिला है वो ऐसे है कि MNCs की बात करें तो उनको कॉर्पोरेट टैक्स ऑलरेडी 25% का देना होता है। उसके अलावा ये जो डिविडेंड इनकम टैक्स है जो आपके टैक्स स्लैब के ऊपर है उसमें वो अपने होम कंट्री जो इंडिया नहीं है जो फॉरेन कंट्री है वो उनके लिए होम कंट्री है वहाँ पे वो अपने टैक्स क्रेडिट ले लेते हैं इस डबल टैक्सेशन के बिहाफ में। तो कह सकते हैं हम कि उनके लिए एक्चुअली अब डिविडेंड लगता ही नहीं है, सिर्फ उनके लिए कॉर्पोरेट टैक्स लगता है। तो ये एक मेजर बेनिफिट है MNCs के लिए। और इस वजह से अगर हम देखें तो रीसेंट टाइम में फाइजर, सैनोफी इंडिया और भी कई सारे कंपनी है लाइक अबॉट इंडिया, ये जो MNCs है इन्होंने रीसेंट टाइम में 2020 में काफ़ी अच्छा डिविडेंड दिया है कंपेयर टू 2016, 17, 18, 19। तो इस तरीके से ये जो नए टैक्स के जो रूल्स है इसका बेनिफिट इन MNCs उठा रही है। और अगर आप हाई डिविडेंड पेइंग कंपनीज को टारगेट कर रहे हो तो आप इस तरीके की MNCs को टारगेट कर सकते हो। अब मैंने स्क्रीनर पे कंपनीज आइडेंटिफाई किए जो डिविडेंड 5% से ज़्यादा देती है, तो मुझे ऑलमोस्ट 50 कंपनीज मिली और इन 50 कंपनीज को मैंने फिल्टर किया इन पैरामीटर्स के बेसिस पे, जैसे PE रेशियो है, प्राइस टू बुक वैल्यू है, ROE है, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, ROCE, डेट टू इक्विटी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ROCE 10 ईयर्स का और डिविडेंड। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एटलीस्ट ये सारे पैरामीटर्स पॉजिटिव होने चाहिए कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, हमें इतना तो बेयर मिनिमम देखना चाहिए। और इसमें पॉजिटिव के हिसाब से मैंने फिल्टर किया तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है यहाँ पे ग्रीन कलर करके। तो यहाँ पे अगर मैं इसको फिल्टर करूँ बाई कलर ग्रीन, सेल्स पे फिल्टर किया, फिर मैंने प्रॉफिट पे फिल्टर किया लास्ट 3 ईयर्स का, प्रॉफिट फॉर 5 ईयर्स का मैंने फिल्टर किया, सेल्स का 5 ईयर्स का फिल्टर किया, प्रॉफिट का 10 ईयर्स का फिल्टर किया मैंने, उसके बाद सेल्स का 10 ईयर्स की डेटा पे फिल्टर किया। ये सारे फिल्टर हम एटलीस्ट पॉजिटिव वैल्यू के लिए कर रहे हैं। इंटरेस्ट कवरेज पे फिल्टर किया तो देख सकते हैं हमें 7 स्टॉक्स मिले हैं। और इन 7 स्टॉक्स का अगर हम देखें तो ये कंपनीज है कोल इंडिया, सन टीवी नेटवर्क, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, टीवी टूडे नेटवर्क, अंबुजा सीमेंट्स, आंध्रा सुगर, पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन। तो ये 7 कंपनीज है जो इन सारे पैरामीटर्स में पॉजिटिव है। और डिविडेंड अगर हम देखें तो ये इन बिटवीन 5% to 17% के रेंज में डिविडेंड देती है। अच्छा, यहाँ पे हम कोल इंडिया की बात करें, कोल इंडिया में अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट और सेल्स ग्रोथ जो है सिंगल डिजिट में है फॉर 5 ईयर्स एंड 10 ईयर्स, जो कि एक अच्छी इंडिकेशन नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि कोल इंडिया की बात करें तो ये ESG पैरामीटर्स पे अच्छा नहीं कर रही है, स्पेशली एनवायरमेंटल कंसर्न की वजह से। तो इस वजह से FII DII जो मेजर रीज़न होते हैं कोई भी शेयर प्राइस को ऊपर ले जाने की, वो इस पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे, रहते वो कंटिन्यूसली सेल कर रहे हैं और इस वजह से कंपनी के शेयर प्राइस पे लगातार प्रेशर बना हुआ है। दूसरी कंपनी की बात करें तो वो है सन टीवी नेटवर्क। सन टीवी नेटवर्क की बात करें तो प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर्स की सिंगल डिजिट में है और सेल्स ग्रोथ भी लास्ट 5 ईयर्स की सिंगल डिजिट में है। तो यूजुअली सिंगल डिजिट के ग्रोथ जो होते हैं इस तरह की मिड कैप कंपनी जो 18,000 मार्केट कैप की है, मिड कैप कंपनी है, तो इस तरीके की मिड कैप कंपनीज में इस तरीके की ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं मानूंगा मैं। और इसके अलावा एक और चीज़ ये है कि सन टीवी नेटवर्क में कुछ टाइम पहले इनके प्रमोटर्स पे भी कुछ एलिगेशंस लगे थे, हालांकि वो क्लियरली प्रूफ नहीं हुए। तो इस तरीके के एलिगेशंस लगने पे आप मैनेजमेंट पे डाउट आ जाता है और कभी भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू अगर रेज भी होता है तो हमें उन कंपनीज को एटलीस्ट अवॉइड करना चाहिए। तो ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो इनकी 3 ईयर्स 5 ईयर्स 10 ईयर्स की डेटा देखें तो सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ दोनों में ही सिंगल डिजिट में है, जो कि एक अच्छी इंडिकेशन नहीं है।
तो इस वजह से मैं इस कंपनी को बहुत ज़्यादा बैंक ऑन नहीं करूँगा। चौथी कंपनी है टीवी टुडे। तो टीवी टुडे की बात करें तो टीवी टुडे नेटवर्क की बात कर रहे हैं तो इनके सारा पैरामीटर्स मोस्टली डबल डिजिट में है जो कि अच्छा साइन है। और डेट टू इक्विटी रेशियो भी देखें तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है और इंटरेस्ट कवरेज 84 का है जो काफ़ी अच्छा है। तो ओवरऑल कंपनी जो है हाई डिविडेंड यील्ड पेइंग कंपनी है, तो आप इसको रडार पे रख सकते हो टीवी टुडे नेटवर्क को। उसके बाद अगली कंपनी है अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट एक साइक्लिकल स्टॉक है क्योंकि ये सीमेंट इंडस्ट्री को बिलोंग करता है। यहाँ पे अगर हम देखें लास्ट 3 ईयर्स की सेल्स ग्रोथ अच्छी नहीं हुई है, इसके अलावा प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 10 ईयर्स के बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, बट इसको हम मान के चल सकते हैं। और ओवरऑल अगर हम देखें कंपनी के बाकी सारे पैरामीटर्स तो ओवरऑल अच्छे ही है। और ROCE और ROE अगर हम देखें तो ROE 10% का और ROCE 18% का है। तो लार्ज कैप कंपनी के हिसाब से ये ओवरऑल अच्छी कंपनी मानूंगा मैं। तो ओवरऑल इस हिसाब से हम देखें तो इस कंपनी को हम रडार पे रख सकते हैं। अगली कंपनी आंध्रा शुगर। आंध्रा शुगर की बात करें तो इसके सेल्स ग्रोथ, क्योंकि एक स्मॉल कैप कंपनी है, 800 करोड़ की मार्केट कैप कंपनी है, और यहाँ पे अगर हम देखें सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ ये सिंगल डिजिट में है, तो ये बहुत अच्छी साइन नहीं है। और ऊपर से आंध्रा शुगर की बात करें तो ये एक साइक्लिकल स्टॉक है। तो ओवरऑल ये दोनों चीज़ों की वजह से मैं इसे अवॉइड करना चाहूँगा। अगली कंपनी है पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन। पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन जो है ये प्लास्टिक और पैकेजिंग फिल्म्स बनाती है। अगर हम डेटा में देखें तो इनकी ROE less than 10 है, और वहीं अगर प्रॉफिट और सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 3 ईयर्स और 5 ईयर्स में वो सिंगल डिजिट में है। इसके अलावा पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन ASM लिस्ट में भी है। ASM लिस्ट एक लिस्ट होती है सेबी के तरफ से। यूजुअली कोई भी स्टॉक जिसमें बहुत ज़्यादा वोलाटिलिटी रहती है, ये बहुत जल्दी से ये राइज कर रहा होता है, जिसमें ऑपरेटर्स का इन्वॉल्वमेंट की शंका होती है सेबी को, तो उन स्टॉक्स को सेबी जो है ASM लिस्ट में डाल देती है, जिससे कि रिटेल इन्वेस्टर्स थोड़े से सतर्क हो जाते हैं। तो यहाँ पे पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन भी ASM लिस्ट में एडेड है। तो ओवरऑल हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स जिनमें आप इन्वेस्टमेंट का देख सकते हो, तो वो होगा पहला अंबुजा सीमेंट, दूसरा होगा टीवी टुडे नेटवर्क, तीसरा है पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन, चौथा होगा अबॉट इंडिया, फिफ्थ होगा सैनोफी इंडिया, और सिक्स्थ होगा फाइजर इंडिया। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता दूँ, तो ये कोई बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, बेसिकली एक तरीका है किस तरीके से आपको स्टॉक्स को देखना चाहिए जो हाई डिविडेंड भी पे कर रही हैं और इसके अलावा कंपनी में भी बहुत ज़्यादा डाउनसाइड ना हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।